पर इन मानवों तो तस्मीन से जुड़ी हुई बात सुनने के लिए हम तने गोर हो जाए। बारहवीं और ये मेरे तालाब का जान पिलाने के बाद से नंबर रसूल पर जलवाबाद होने की दावत पेश की जा रही है। सारे फसाहत बनावट मुंबई मिल मोहिमत शहनशाही खिताबत बाकी सिर्फ विदार नाशरी मदर के आला हजर अली परे हजूर काजुसरिया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मफ्तूर आला हाफिजला जो आपके कड़क से बेचला को इत्मीनान और सुकून का मरहम इनायत फरमाएंगी। आइए ऐसे मायनार हम काबिले फख्र शख्सियत की खिताब से पहले ऐसा नारा लगाएं कि जिलों की गहराइयों से आवाज निकले नारे तकबीर लग रहा है कि सिर्फ सामने वाले जाग रहे हैं और पीछे वाले आराम से सो रहे हैं। ऐसा नारा नारा लगाओ कि आपकी आवाज इन फिजाओं को इन हवाओं को इन कलाओं को चीरते भी जाकर गुंबदे खज़रा से टकरा जाए ताकि फरिश्ते कहे या रसूल अल्लाह उम्मती याद कर रहा है। नारे तकबीर नारे रिसालत हमारे अहले सुन्नत मक़बूल आलम फसाहत नाश करती है बलावत नाश करती है खिताबत पर आती पूरी मिल्लत नाश करती है। अब आप मुझे मदद का खिताब होगा के इमाम हैं
मेरी दरगाह में बहुत छोटे थे हाजिर आए थे और मुझे गोद खिलाने का शर्फ हासिल हुआ है। और आज जब ये स्टेजों पे चढ़ते हैं तो बड़ी खुशी होती है और दिल की अता गहराइयों से दुआ करती है अल्लाह मस्जिद फजीद। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे उलमाए किराम हैं, चूंकि वो मेरे बड़े हैं उनका पैर बरकात मैं हासिल करता हूँ, इसलिए मैं खुसूसियत के साथ उनका जिक्र किया। मोहतरमुल्ला शायर कहता है, माहियत शय की जो बता दे वो हुनर पैदा कर। उलमाए किराम जानते हैं हकायकुल अशियाए साबितातुन, कायनात में जितनी चीजें हैं सब चीजों की हकीकत हकीकत एक हकीकत है और वो हकीकत आलम कायनात में मौजूद है। माहियत शय की जो बता दे वो हुनर पैदा कर, कतरे कतरे में समंदर है नजर पैदा कर, जर्रे जर्रे में निहां है खुदा का जलवा, जर्रे जर्रे में निहां है खुदा का जलवा, जर्रे जर्रे में निहां है नबी का जलवा, अपनी आंखों में बसीरत का गुहर पैदा कर, अपनी आंखों में बसीरत का गुहर पैदा कर, कतरे कतरे में समंदर है नजर पैदा कर। हर जमाने को जरूरत है खुदा वालों की, हर जमाने को जरूरत है खुदा वालों की, शाखे निस्बा में विलायत का कमर पैदा, शाखे निस्बा निस्बा औरत को कहते हैं। शायद ये कहना चाहता है कि औरतों को मुत्तकिया बनाओ ताकि उनके शिकम से आने वाला बच्चा वलिय कामिल हो। आज हमें उसकी जरूरत है, हर जमाने को जरूरत है खुदा वालों की, शाके नितवा में विलायत का समर पैदा कर। और अहले बातिल को झुकाना है अगर कदमों पर, अहले बातिल को झुकाना है अगर कदमों पर, अपनी मजलिस में रजा जैसा आदर पैदा करता, क्योंकि ये रानी जलून की सरजमीन है। और जहाँ शायद मैं तो ये सोचता था कि किसी नापाक का वजूद नहीं होगा, मगर शायद मैं जब ये जिक्र किया तो किसी से बाजू से बताया कि नहीं है। याद रखे अहले रानी जलून, ये मेरा खतीब साहब ने जो कुछ किया कहा वो उनका हक था, चूंकि हर बेटा अपने बाप के लिए बहुत कुछ कह दिया। मैं कुछ भी नहीं मगर मेरा शायद ताजी शरिया बहुत कुछ। Yeah.
आज तो मैं रानी बिंदूर में और बहुत बड़ा मजमा है, अरिश का, अहले बाबा का, अहले मोहब्बत का, और यहाँ मोहब्बत की खुशबुएं फैली हुई हैं और मैं उससे मुस्कुरा हो रहा हूँ। मगर मैं आपको बताऊं कि जब सिरसी के सरजमीन पे पहुंचा था और वादी गैर में जहाँ अहले हदीस का जमघटा था और पुलिस स्टेशन में अपने आलिम को बचाना था और उनके हवाले दिखाना था और कहा जाता आ जा आ जाने पर उससे मुनाजरा करना था। बिहमी ताला मैं कुछ भी नहीं, मगर पैगान ताली शरिया ने वो काम किया कि 40 अरबपति अहले हदीस को पुलिस स्टेशन में घात घात से गिरने या घात से अपने नाक रगड़ने पर मजबूर होना। सिरसी बहुत दूर नहीं है, मैं अफ्रीका की बात नहीं करता, सिरसी आपके बहुत करीब है। पुंगलोर में भी मेरे उलमा पहुंचे थे और हवाले की हैसियत से इसी गुनहगार को बुलाया गया था। वहां भी बड़े बड़े वहाबी आकर के 2-2 लाख रुपया लेके चले गए और मेरे उलमा वहां साजिद कदम रह के हकानियत का छंडा था। ये मसला की आला हजरत का आता है, जब तक हम मसला की आला हजरत का दामन थामे रहेंगे, वादिये गैर में हो या वादिये चुप रहे हो, मेरा ही परचम बुलंद रहेगा। भर गए अहले बातिल को झुकाना है अगर कर्मों पर, अहले बातिल को झुकाना है अगर कर्मों पर, अपनी मजलिस में रजा जैसा असर फैला दे। फिर जमाने में जगाया है जदीदी कितना, फिर जमाने में चाहे जितने जितने हों, फिर जमाने में जगाया है यजीदी फितना, फिर जमाने में जगाया है यजीदी फितना, नौजवानों में शहादत की लहर पैदा कर, नौजवानों में शहादत की लहर पैदा कर, अहले बातिल को झुकाना है अगर कदमों पर, अपनी मजलिस में रजा देता आदर पैदा। बदअकीदों के दिलों पर भी हुकूमत होगी, बदअकीदों के दिलों पर भी हुकूमत होगी, बदअकीदों के दिलों पर भी हुकूमत होगी, मुफ्ती आजम की सीरत का कमर पैदा कर, मुफ्ती आजम की सीरत का कमर पैदा कर, अहले बातिल को झुकाना है अगर कर्मों पर, अपनी मजलिस में रजा देता आदर। और आज अपने माहौल में जो कुछ हो रहा है उसके लिए धूप लपकी बड़ी तेज निकल आई, धूप नफरत की बड़ी तेज निकल आई है, मगर मालूम नहीं कि याद रखो इमाम अहमद रजा नुक्ते इतिहास का नाम है। ये इतिहास को छोड़ोगे कोई नहीं बचोगे, कोई नहीं। इतिहास जो कल था वही इतिहास हमारा सरमाया, उसी इतिहास से हमें संजीदगी के साथ सोचना भी है, अपने अनानियत बड़े पन को खत्म कर देना, मिटा देना है और अपने नुक्ते इतिहास को पकड़ लेना है, हम कामयाब होगा। धूप नफरत की, धूप नफरत की बड़ी तेज निकल आई है, बारे मिल्लत में मोहब्बत का शजर पैदा कर, बारे मिल्लत में मोहब्बत का शजर पैदा कर, अहले बातिल को झुकाना है अगर कर्मों पर, अपनी मजलिस में रजा देता आदर पैदा। क्या बात। और इस नाकिब ने खुद से जो कहा है, इतना गुनहगार का तकल्लुफ फरहद और जियाई
मदरसे की तरफ मंसूब है। अकाइद पर लुटेरों की निगाहें पड़त है, अकाइद पर लुटेरों की निगाहें पड़त, अपने लोगों में तू ईमानी शर पैदा कर, अपने लोगों में तू ईमानी शर पैदा कर। दूसरी पैंदा मत ले रहा मौसम अगला अल्लाह हिसाब फरमाता है। बल मुदब्बिर आती हमारा वो लोग आलम कायनात में तदबीर करते हैं। वो लोग से मुराद कौन लोग जो आलम कायनात में तदबीर करते हैं? मुदब्बिर तो सिर्फ रब की जात है, तदबीर तो रब का इख्तियार है। ठीक, ये किसके बारे में कहा जा रहा है? पर मुदब्बिर आती हमारा, मैं अपने बाएं बाजू वाले को याद रखिए, पार्टी पॉलिटिक्स में आपने सुना होगा जो हुकूमत पे की कुर्सी पे होता है उसे दायां बाजू वाला कहा जाता है, दायां बाजू वाला पार्टी, और जो उतरा हुआ होता है उसे बायां बाजू वाला पार्टी कहा जाता है। मोहतरम हजरा, आप ये सोच रहे होंगे कि ये दुनिया अपनी बोली बोल रहा है, अपना उसूल बहुआ है। कसम खुदा की, ये दुनिया का उसूल नहीं, मजहब इस्लाम का उसूल है। आप देखते हैं मैदान मशर कायम होगा, और जब फैसला, जब गुनहगार जमीन का हिसाब और किताब हो जाएगा, तो किसी के हाथ में दाएं हाथ में नामे आमाल और किसी के बाएं हाथ में नामे आमाल, एक दायां बाजू वाला होगा और एक बायां बाजू वाला होगा। जो जहन्नम की तरफ जाएगा वो बायां वाला होगा, जो जन्नत की तरफ जाएगा वो दायां वाला होगा। ये इस्लाम ने उसूल दिया है, आज पूरी दुनिया उसी उसूल को अपनाने से मजबूर है। इसलिए तो मैं कहता हूं इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम, अल्लाह का कलाम मैं पढ़ता हूं कि अल्लाह के नजदीक सबसे मुकद्दस महबूब मजहब क्या है? इस्लाम। और मैं आपको गिनाता चलूं तो आज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो कानून है, बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो इस्लाम से माकूल है, इस्लाम से भीख मांगा है। कहता है इंडियन लॉ, मगर दरअसल वो इंडियन लॉ नहीं है, इस्लाम लॉ है। मतलब मैं वही बोलूंगा, इधर उधर नहीं जाऊंगा इंशाल्लाह। थोड़ा मतलब आपने देखा अपने समाज में ये कानून बार बार दोहराया जाता है कि लड़की की उम्र कम से कम शादी के लिए 18 साल हो। 18 साल से पहले एक आवाज बाएं बाजू की आती है कि ये नाबालिग है और इसकी शादी जुर्म है। इंडियन लॉ के मुताबिक मैं जब तफसीरे जनाज़ा पढ़ रहा था या पढ़ा रहा था, हाशिया देखने का इत्तेफाक हुआ, तो मैंने देखा कि इंडिया में से एक पति का कौल ये है कि लड़कियों की शादी किस उम्र में होनी चाहिए? 18 साल। किस उम्र में होनी चाहिए? 18 साल। मैं सोचने लगा कि आखिर इस पति ने 18 साल की कई क्यों रही? तो याद रखिए, मैं जब गौर किया तो मुझे मालूम हुआ कि एक होता है जवान, जवानी यानी बाली यानी किसी का जवान हो जाना, उसके आकार का नुमाया हो जाना, और चीज है अकल का बुलूग, और चीज सोचने की कैपेसिटी, सोचने की सलाहियत, सोचने की ताकत, सोचने की कुव्वत। कौन चीज हमारे लिए छोटा है, क्या चीज हमारे लिए नुकसान से है कि इंसान को ये कैपेसिटी उस वक्त मिलती है जब वो 18 साल की उम्र को पहुंचता है। तो आम लोगाए ग्राम में जिससे फतवा है उन्होंने बुलूबियत ही नहीं, अरे बच्चा अभी पैदा हुआ हो, गोद में हो, बाप शादी करते शादी हो जाती है, इस्लाम का मुतबादा कानून और नीति पे
देगा। मगर इसका कानून मैं अमरीका से पूछना चाहता हूँ, लंदन और बर्तानिया से पूछना चाहता हूँ कि बता तू अपने कानून की का जन्मदिन बता, कानून की कुंडली बता, तूने ये कानून कब लिया, कहाँ से लिया, क्यों अकल किया और कहाँ से बनाया। कहना पड़ेगा पूरी दुनिया को कि हम भी मजबूर हैं इस्लाम के कानून के, उसके बगैर हमारी गाड़ी चलती नहीं है। इस्लाम के मानने वाले हैं, बात है। जब भी हम ये कहते हैं कि अल्लाह का वली मुदब्बिर है, अल्लाह का वली मुख्तार है, अल्लाह का वली बासलाहियत है, अल्लाह का वली देता है, अल्लाह का वली बांटता है, अल्लाह का वली सुनता है, अल्लाह का वली देखता है, फौरन सजा पे आवाज आती है, ये तो शिर्क हो गया, ये तो शिर्क हो गया। मैंने कहा क्यों? कहा मुदब्बिर सिर्फ अल्लाह है, कोई दूसरा नहीं। अगर गैरुल्लाह को तूने मुदब्बिर माना, गैरुल्लाह को तूने मुदब्बिर कहा, गैरुल्लाह के साथ लफ्ज मुदब्बिर का इंतजाम किया तो तूने शिर्क किया। मैंने कहा मियां अगर इसी का नाम शिर्क है तो मैं भी मोमिन हूँ, खुदा भी मोमिन है। बता, खुदा ही ने मुझे मोमिन बनाया है, खुदा भी मोमिन, खुदा का बंदा भी मोमिन, तो बता मुसलमान कौन है? मुसलमान कौन बचेगा? कौन बचेगा मुसलमान? तेरी अक्ल मारी गई है। कहना पड़ेगा कि वहां निस्बत निस्बत हकीम की है और यहाँ निस्बत निस्बत मजाजी है। हम बसीर समी, समी किसको कहते सुनने वाला, बसीर किसको कहते देखने वाला। मुस्तफा को कहा बसीर समी तो फौरन इतना होता है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? थोड़ा मेरी गुफ्तगु इधर भी आती है, अगर आप कहेंगे तो आपकी तरफ वाकिया भी ध्यान करूंगा, मगर क्या करूं, इन्होंने कह दिया मुदल्लल मुफस्सल, तो मैं सोचा थोड़ा चलो सभी जो सुनने वाला। सभी किसकी सिफत है? किसकी सिफत है? सभी कौन है? सभी खुदा की सिफत है। बसीर किसकी सिफत है? खुदा की सिफत है। खुदा की, खुदा सभी है, खुदा बसीर है। वह समीउल बसीर, वही सभी है और वही वही बसीर है। ये कुरान में क्या है? कुरान में। अब मैंने रसूल को समी और वकील कह दिया तो शिर्क के बदले, वली को समी और वकील कह दिया कि वली वो होता है जो सुनता भी है और देखता भी है, तो बदले। आओ कुरान से पूछे, ए कुरान तू बता समी और वकील
مثال اور دو. علی علی کس کا نام؟ علی کس کا نام بھائی؟ آپ لوگ بھی تھوڑا بولیے تاکہ میرا بھی موڈ بھائی. علی کس کا نام؟ علی اللہ کا بھی نام ہے اور علی دامادِ رسول کا بھی نام ہے.
शिर्क हो गया, इसी को समझाया है। एक तरह शिर्क मान लिया जाए तो फिर दुनिया में एक भी मुसलमान नहीं बचेगा। कहने वाला सबसे बड़ा मुशरिक हो जाए, सबसे बड़ा मुशरिक। मतलब आइए ज्यादातर मैं इबारत कम पढ़ा करता हूं। बात कहते हम मतलब रजीउल बकला और कमाता इस्लाम मौत में पहले चीज बताइए, सब चीज को पहले पैदा करने वाला कौन है? देखिए यहाँ तकलीर कुछ लोगों ने कहा था हजरत जमाइएगा, यहाँ हम जमने और जमाने नहीं आते। मेरा मतलब ये होता है कि कालंदा और काला रसूल इस्लाम आपके दिल जुमेन और फिक्र में उतर जाए, यही मिशन है और यही मकसद है। हमारा हमारी तारीफ करके आपको मिलने वाला कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इस्लाम जिंदगी में सुबह लेंगे और जितनी देर रोटी नहीं मेरे आका की तारीफ करेंगे आपकी जिंदगी सबरती है। यही मिशन इमाम अहमद रजा का रहा, जो निशानों का निशानिस्ता नहीं, धरती पे झूठे भी पैदा हुए हैं मगर वो जदीद का दावा है। मैं नाम नहीं लूंगा, इतना की बात कम करता हूं मगर इशारा जरूर देता हूं ताकि समझ आ जाए। क्या कहा? मुजद्दीद है। क्या कहते हैं अपने आप को? मुजद्दीद। और बोलते क्या है? झूठ। सही है, सही है। ये 15वीं सदी का झूठा मुजद्दीद, सही है। अपने एक तकरीर में कहता है मतलब के साथ भी मतलब के ये मतलब के वो, और कहते हैं कहता है कि जब आला हजरत पास ये फरेंदी ने मतलब नहीं था तो हम क्यों मतलब के? मगर उसको पता नहीं था इमाम अहमद रजा मोजज़ातुन मिन मोजज़ाति रसूल का नाम है, आयतुन मिन आयति अल्लाह का नाम है, इमाम अल्लाह है, चांदनी को पैदा करने वाला अल्लाह है, सूरज को पैदा करने वाला अल्लाह है,
यही हमारा अकीदा है, यही आपका अकीदा है, यही बरेली का अकीदा है। इसलिए हम लोग बरेली 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 है, बरेली वाले इमाम मोहम्मद रजा वाले, मेरा अकीदा वही है, मोहम्मद रजा अधिकार मिलते इस्लामिया। आपने सुन लिया, अब आइए बारगाह है रसूल में चले। रसूल ने कहा चांद को पैदा किया अल्लाह ने, रसूल ने कहा चांदनी को पैदा किया अल्लाह ने, रसूल ने कहा भोगड़ों को पैदा किया अल्लाह ने, मक्खी को पैदा किया अल्लाह ने, कायनात के हर दर्रे को पैदा किया अल्लाह ने। यही मुस्तफा ने हमें तालीम दिया है, यही मुस्तफा ने अकीदा दिया है, यही हमारा दीन है, यही हमारा मत। मगर आओ और रसूल बाबा की बारगाह में चलते हैं। आका ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशार फरमाते हैं, قال النبي صلى الله عليه وسلم أنبت الرجيم البقلة أو كما قال الإسلام مصطفى فرماتے ہیں لوگوں موسم بہار میں فصل کو پیدا کیا موسم بہار میں فصل کو پیدا کیا اب بولو جس مصطفیٰ نے یہ تعلیم دیا ہے کہ سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے وہی مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ فصل کو پیدا کرنے والا موسم بہار ہے क्या जवाब होगा बाएं बाजू बाजू वाले से कल पूछना तू बता ये मकसूद की बोली नहीं है ये बरेली इमाम अहमद रजा की बोली नहीं है गौसी आजम ने नहीं कहा उमर फारूक ने नहीं कहा सिद्दीक ने नहीं कहा अरे ये तो कहा है जाने कायनात ने कहा है कायनात ने कहा है बोल क्या कहता है इसके बारे में क्या कहता है ठीक है तो फिर मुस्तफा को क्या कहोगे और जब सिद्दीक ने वो अकीदा लिया बरेली तक पहुंचा तो इन सबको क्या कहोगे इमाम अहमद रजा की सिर्फ बात मत करो करना है तो सिद्दीक अकबर की बात करो फारूक की आजम की बात करो अली मुर्तजा की बात करो उस्मान गनी की बात करो हजरत तलहा की बात करो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की बात करो अब्दुल्ला इब्ने उमर की बात करो अब्दुल्ला इब्ने बात करो। बात इसलिए हमारे पास नहीं आती जो गाड़ी गाड़ी बेचारा चलाता है या जो इंजन साफ कर उसके पास जाता है ये कुछ कर रहा है हदीस में हरी क्या बात है। अरे अगर आना है तो मैं गाड़ी सुनना उसके मतलब को देख के नहीं बोलता या मगर यहाँ क्या आता निस्बत फरमा रहे मौसम बाहर की जानी
मौसम बाहर की जान आखिर माजरा क्या है सबक क्या है मेरी आशा समझाना क्या चाहते हैं यहाँ तो जाते रूहानियत लेते हैं उसकी
इसके किला में मुझे अच्छा कर दे, मेरा भला कर दे, मेरे आगोश में भेजा दे दे। सब कुछ बन
बन गया मगर अभी लड़का और लड़की, लड़की नहीं बनी लड़का नहीं बना। और इससे पूछे तो परीक्षा पूछेगा बोला क्या बनाओ लड़का बनाऊ या लड़की। ये बुखारी की हदीस है, बुखारी की और कुरान में भी इसकी वजाहत तफसील में मौजूद है। क्या बनाओ अल्लाह बताएगा ना इसे लड़का बना दे या लड़की बना दे, लड़का बना दे या लड़की बना दे। अभी लड़की बनी नहीं है, लड़का बना नहीं है, बनने से पहले बता उस फरिश्ते को इस माँ के गोद में पेट में लड़की लड़की है या लड़का मालूम हुआ या नहीं हुआ, मालूम हुआ या नहीं। दुनिया की कोई ताकत इंकार नहीं कर सकती से मालूम नहीं हुआ, अभी बना नहीं है मगर मालूम है, मालूम है। कौन कब मरेगा रूह निकालने वाले फरिश्ते को उसके मरने से पहले, रूह निकालने से पहले कौन कहां मरेगा कब मरेगा उसका इल्म है। बारिश कब होगी कहां होगी बता, बारिश के फरिश्ते को इसका इल्म है। और कल किसको कितना देना है, कहां देना है, किस बना के देना है, किसके जरिए देना है, इसका इल्म फरिश्तों को है, अभी मिला नहीं मगर है। अरे फरिश्तों को जब है और तू ही कहता है कि पूरी मखलूक से ज्यादा जहां इल्म होता है उसी का नाम मुस्तफा होता है, तूने तो कहा था अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, मैं यहां देख रहा हूं कि अल्लाह का बंदा जान रहा है, मुस्तफा का गुलाम जान रहा है। इसलिए मैंने नीचे तार ने कहा और कोई फैसला तुम से मेरा है भला, जब ना खुदा ही छुपा गया बन जाएगा, वली बन जाएगा, महान बन जाएगा।